किसी के घर में पूजा घर नहीं है तो वो भगवान को कहाँ पर स्थापित करे और क्या प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी है? जी, दर्शकों, प्राण प्रतिष्ठा तो हमें घर की मूर्तियों में करनी ही नहीं है, केवल और केवल उन्हें विधिवत जो एक आम गृहस्थी घर में जो स्थापित करने की विधि होती है उस विधि से हमें स्थापित करना है। अर्थात यूं कह लीजिए कि मूर्तियों को शुद्ध करके मंदिर में स्थापित करना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कभी भी घर में नहीं की जाती। रही बात ये कि घर में अगर आपका अलग से कक्ष नहीं है, वन बेडरूम संस्कृति चली हुई है, शहरों में तो जगह इतनी सिकुड़ चुकी है कि अलग से स्थान काफी मुश्किल है। इवन वन बेडरूम जो होते हैं उनमें बेडरूम में सारी चीजें होती है, उनकी किचन होती है, उनका मंदिर होता है, सब कुछ होता है। दर्शकों, वहां के लिए विशेष सावधानी मैं आपको बता दूं कि चाहे वन बेडरूम ही क्यों न हो, उस एक कमरे के ईशान कॉर्नर को आप देखें, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर है उसमें आप देव प्रतिमाओं को स्थान दें, वहां पे उनकी जगह निश्चित कर दें, और वहां पर पर्दा अत्यंत आवश्यक है। जब आप पूजा करते हैं तो पर्दा आप खोल सकते हैं, पूजा करें, उसके बाद हमेशा आप पर्दा लगाए रखें। अगर वन बेडरूम वाली संस्कृति है और उसी कमरे में मूर्तियां आपने रखी हुई हैं जिस कमरे में कि आप रह रहे हैं, ये मजबूरी वश ही किया जाता है, अन्यथा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेडरूम में स्थान ना दे करके अलग से ईश्वर के लिए, भगवान के लिए कोई अलग से विशेष कक्ष हो हमारे घर में। इसके अतिरिक्त एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो एक बड़ी परंपरा चली आ रही है, मैंने वास्तु विजिट के दौरान देखा भी है कि रसोई घर में वो देव स्थान बना देते हैं, रसोई घर में ही मूर्तियां रखनी प्रारंभ कर देते हैं। दर्शकों, रसोई घर अग्नि प्रधान जगह होती है किसी भी घर की, और जहां पे अग्नि की प्रधानता हो वहां पे देव पूजा नहीं की जाती। आप रसोई घर में कभी भी मूर्तियां रख के नित्य सुबह शाम पूजा का स्थान उसको बिल्कुल ना बनाएं, इससे बाकायदा आपको बताना है। या फिर सीधी सी बात, आप कोशिश करें अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त करने की। अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और देवों का स्थान आपने सही निश्चित कर लिया तो प्रॉब्लम्स आपके घर में आएंगी ही नहीं। दर्शकों, यदि आप पवन जी से कुछ और जानना चाहते हैं तो तुरंत ईमेल करें info@astrovasturemedies.com पर, या फिर आप SMS भी कर सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। बढ़ते अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है तुला राशि। जीवन में कठिनाइयों से ना घबराएं, अच्छा समय आपका जल्द ही आने वाला है। कोई अपना आपको यहाँ पे धोखा दे सकता है। दोस्तों से मिलने में सावधानी आपको रखनी है, उधार देने से बचना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है, आइए जानते हैं। कैरियर के प्रति सजग रहें, किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना पड़े, बेकार की उलझन हो सकती है। सेहत के लिए समय ठीक नहीं है, सावधानी रखें, पेट की बीमारी हो सकती है, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। आज के दिन धनु राशि वालों का भाग्य कितना साथ देता है, आइए जानते हैं। अचानक सेहत बिगड़ने से कई जरूरी काम रुक सकते हैं, दोस्तों की मदद लें, ज्यादा काम करने से बचें, प्रेमी के साथ रिश्ते और मधुर बनाने की कोशिश करेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होगा। कैसा रहने वाला है आज मकर राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल भी आपको मिलेगा। सेहत के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, सावधानी रखें, पेट की बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। आप भी आज करियर के क्षेत्र में काफी मेहनत करेंगे और उसका फल भी पाएंगे। ज्यादा काम करने से बचें, प्यार के लिए समय निकालने की आपको आवश्यकता है। आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, मन बदलेगा और प्यार बढ़ेगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं मीन राशि की और जानते हैं मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल। शेयर खरीदने बेचने के लिए समय अच्छा है, खुद को प्रतिद्वंदियों से आप कमतर महसूस करेंगे। लंबी यात्रा पर ना जाएं, आपकी सेहत खराब होने के चांसेस हैं। मन अगर आपका परेशान है तो भगवान में ध्यान लगाएं, अच्छा लगेगा। पूजा के दौरान कौन सी खास बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और कौन सी वो सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है पूजा के दौरान, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। दर्शकों,
पूजा के दौरान जो आपको ध्यान रखना है, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा स्थल की साफ सफाई आप नियमित रूप से करते रहें। इसके अतिरिक्त आप कभी भी देवताओं को बासी फूल इत्यादि ना चढ़ाएं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका पूजा स्थल पूर्ण रूपेण शुद्ध रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका पूजा स्थल बना है वहाँ पे चमड़े के जूते चप्पल इत्यादि लेकर बिल्कुल भी न जाएं, यानी कि हर संभव प्रयत्न करें कि आपकी वो जगह पूर्ण रूपेण शुद्ध रहे। सबसे बड़ा ध्यान जो हमें रखना होता है वो यह है कि जब आप पूजा करते हैं, समय आपके पास चाहे 2 मिनट है चाहे 2 घंटे हैं परमात्मा को देने के लिए, लेकिन वो 2 मिनट या 2 घंटे आप जल्दबाजी में बिल्कुल ना दें। एक हमारी आज आदत बन चुकी है, जीवन में दिनचर्या में शामिल हो चुका है कि हम जल्दी जल्दी हमारी रूटीन करेंगे, स्नान करेंगे और भाग्य मंदिर के पास जाएंगे और एक ही मिनट में हम ज्योति प्रज्वलित करके और फटाफट 2-4 बार जय बोलते और भागने की लगती है। दर्शकों, आप केवल 2 मिनट दो, मैं ये नहीं कह रहा 2 घंटे दो, लेकिन वो 2 मिनट आपको एकाग्र चित्त होकर आप पूरी तरह ईश्वर का ध्यान करें। सूक्ष्म पूजा करें लेकिन उसको भी पूरे मन से करें। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गोविंदम गरुधदा गुण निधि दामोदर माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम लक्ष्मीपते पाहि माम ओम रामायण नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, ओम हनुमते नमः, ओम श्री बालाजी देवाय नमः। इसके पश्चात हनुमान जी का जो विशेष मंत्र है, ओम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषानु ज्ञानी नाम अगरगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि। इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उन देवता का स्मरण आपको नित्य करना है। इष्ट देव के बगैर, अगर इष्ट देव आपके नाराज हो जाते हैं तो फिर समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। परिवार में अगर किसी के हम कहते हैं कि पितृदोष है, जिनके इष्ट देव प्रसन्न हो गए परिवार से पितृदोष अपने आप निकल जाता है। तो दर्शकों, हमें देवी देवताओं का, देवस्थान का, उनकी पूजा का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ केवल और केवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप 2 मिनट दें लेकिन विधि पूर्वक आप उन 2 मिनटों का प्रयोग करें। पवन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास वक्त की कमी है, आपने कहा कि बस 2 मिनट ही दें और 2 मिनट जो भी देते हैं श्रद्धा पूर्वक दें, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे क्या कोई ऐसा खास मंत्र है जिसे 2 मिनट में वो पढ़ें और उससे उनको भगवान का पूरा साथ, उनकी असीम कृपा प्राप्त हो सके। देखिए दर्शकों, आपको मैं ही बताऊंगा खास मंत्र की, आपको मैं बता दूं कि अपनी जन्म पत्री दिखाकर अगर आपके जो कुल देवता है उनका मंत्र आप जप सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, कुछ दर्शक तो ऐसे हैं हमारे पास आते हैं उनको यही नहीं पता कि उनके कुल देवता कौन से हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्मपत्री दिखाएं और उससे ये होगा कि आपके इष्ट कौन हैं। जन्मपत्री के अनुसार जो इष्ट देव हैं उनके मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, पूजा के दौरान करें, यहाँ तक कि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आप ऑफिस से बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका साक्षात्कार होना है, इंटरव्यू होना है, तो उससे पहले आप कभी भी 2 मिनट अपने इष्ट का स्मरण करके देखिए और आप देखिए कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होता है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आता है और सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 मिनट आप अपने इष्ट का स्मरण करें और आप फेल हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इष्ट मंत्र, जो भी आपके इष्ट देव है उनके मंत्रों का आपको जाप करना। तो यानी कि इष्ट का ध्यान आप सभी को फायदा देगा। दर्शकों, यदि आप पवन जी से कुछ और जानना चाहते हैं तो आप ईमेल करें info@astrovasturemedies.com पर। फिलहाल सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आपके ईमेल्स को। बहुत सारे ईमेल्स आपने हम तक पहुंचाए हैं पंडित जी। ईमेल हमें आया है मधुलिका श्रीवास्तव का, कानपुर से। कैडेट ऑफ बर्थ है 8/6/1982, रात को 8:10 पर कानपुर में जन्मी है। ये जानना चाहती है सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, करियर और पढ़ाई के बारे में भी साथ में जानना चाहती है। जी मधुलिका जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी का योग बाकायदा आपकी जन्मपत्री में है। आपके लग्नेश गुरु स्वाति नक्षत्र में आपके इनकम हाउस में विराजमान है और बाकायदा ये सरकारी नौकरी का एक उत्तम योग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा में शनि की दशा आपको मार्च 2010 से है। वैसे तो चंद्रमा की दशा आपके लिए कारक नहीं है, मारक है। चंद्रमा की दशा में किसी भी प्रकार से लाभ होता मुझे नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप उपाय नहीं करेंगी तो। चंद्रमा की दशा आपको चल रही है 2015 तक, दिसंबर 2015 तक, यानी कि 2014
16 के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन यहाँ भी आपको जो 20/10/2011 से जो आपको दशा चली है वो चंद्रमा भी बुध है, आपके बुध भी मार्केश है और चंद्रमा भी आपके मार्केश है, अर्थात ये मार्च 2013 तक आपको ये दशा जा रही है। तो जोब के जो योग बनेंगे वो मार्च 2013 के बाद ही बन रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे चंद्र और बुध को थोड़ा सा डाउन करती हैं और अपनी जन्म पत्री के जो कारक ग्रह हैं उनको बल देती हैं तो इस दुर्योग के समय में भी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगी और आपका कार्य इस दौरान भी बनने की उम्मीद है। आपको मैं 2-3 उपाय बता देता हूँ। सबसे अधिक कष्ट जो आपको ग्रह देते हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपके लग्न में विद्यमान है, चंद्रमा आपको इमोशनल बनाते हैं, आपकी जो पंच तत्व हैं उनमें जल तत्व की अधिकता आपकी जन्म पत्री में है, क्योंकि चंद्रमा जो जल तत्व के कारक हैं आपके लग्न में ही पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, आपके अष्टमेश हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपके चंद्रमा विद्यमान है। तो चंद्रमा आपको आपकी जो मनस्थिति है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि आप पजल बहुत ज्यादा रहेंगी, एक बिना बात का डर भी आपको लगा रहेगा, लेकिन 2013 के बाद चंद्रमा थोड़े से आपके डाउन होंगे तो आपकी जन्म पत्री के अनुसार जो दशाएं हैं वो ठीक होंगी और योग कारक बन जाएंगी। आपको करना ये है कि 5 सोमवार भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को दूध, गंगाजल, बिल पत्र, 1 रुपए का सिक्का और 2 केले ये आपको भगवान शंकर को अर्पित करने हैं। इसके साथ ही आपको 0.5 किलो दूध का दान करना है, ये 5 सोमवार आपको करना है। इसके अतिरिक्त 3 सोमवार आपको शाम के समय सूर्यास्त के बाद 0.5 किलो दूध प्रवाहित करना है, बहते हुए जल में आप 0.5 किलो दूध प्रवाहित कर दें। 1 आपको पहनना है पुखराज, गुरु का रतन है और गुरु ही आपके जोब के योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य को नित्य जल भी आप अवश्य दें। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत लेने का। जाने से पहले पंडित जी का शुक्रिया अदा करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।